आलूचाय मुंह में जाते ही खुल रही। पैटीज टाइप का थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा खाते हुए चलते हैं। ये कितने का है? 30 रुपए का है। ये उठाने में भी काफी हल्का सा अच्छा चीज क्या है ये? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस है और इस 75th इंडिपेंडेंस डे पे हमने सोचा कि थोड़ा एक फन चैलेंज किया जाए। तो इस बार हम 24 आवर स्ट्रीट फूड चैलेंज करने वाले हैं। लेकिन आप तो सोचोगे यार कि बैकपैकर तो पूरे दिन खाता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें कि हम 75 रुपीज़ के अंडर ये स्ट्रीट फूड चैलेंज करने वाले हैं। हम कहीं पर भी जाएंगे 75 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं खर्च करने वाले। तो चलिए फिर देख के इस बात की आपको लेकर चलते हैं स्ट्रीट फूड के इस सफर में। चलिए तो हम इस समय है छोटा बाजार शाहदरा में और हीरा स्वीट्स पे आए हैं जो कि ओरिजिनल सबसे पहले शुरू किया गया है। तो यहाँ पे हम बेडमी पूड़ी और बालूशाही ट्राई करने वाले हैं और इसका टोटल कॉस्ट हमारा 75 का पड़ा है जो कि हमारा एक्सट्रीम बजट है आज का हर जगह का। चलिए ट्राई करते हैं और बताते हैं। पूड़ी एकदम खस्ता है, स्वाद एकदम दमदार है आलू का। बेडमी पूड़ी की 50 की प्लेट है और बालूशाही हमको पड़ी है 25 की, वो भी खा के बताते हैं। देसी घी की बालूशाही मुंह में जाते ही खुल रही है और स्वाद काफ़ी बढ़िया है। तो आप कभी भी अगर छोटा बाज़ार आए शॉपिंग करने या कुछ भी करने या फिर खाली खाने भी आ सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। मिलते हैं आपको अगली लोकेशन पर। करीबन आधा घंटे का वेट करने के बाद हमको ये दो कचौड़ियाँ मिली है, नसीब हुई है। और वहाँ पे बहुत भीड़ थी, उनका करीबन 450 का ऑर्डर था। तो चलिए अब ट्राई करके बताते हैं। यहाँ पे छोले की तरी है और हल्के हल्के छोले भी हैं और ये कचौड़ियाँ हैं, पूड़ियाँ हैं, खा के बताते हैं। स्वाद काफ़ी अच्छा है, 15 के हिसाब से हिट चीज़ है। चलिए फिर अगली लोकेशन पे मिलते हैं। हाँ, और ये पनीर काजू भी, थैंक यू। ये आ गई खट्टी चटनी। खट्टी चटनी ये तीखी मीठी चटनी ना? हाँ जी ठीक है, ये चटनी मेन है। आप ये आ गई है हमारी फ्रूट सीड्स और ड्राई फ्रूट्स रिच कचौड़ी। कोई कह नहीं सकता इसको कचौड़ी को ऊपर से देख के कि इसके नीचे कचौड़ी और छोले भी होंगे। चलिए ट्राई करके बताते हैं आपको कैसा है। ओहो, बड़ा दमदार कलर लग रहा है। ओहो, मतलब फ्लेवर्स का जो ब्लास्ट है इसमें, काजू का भी मतलब बाइट आया एंड साथ में केले, अंगूर और जो खरबूजे के बीज होते हैं और ऊपर जो उन्होंने ये खट्टी मीठी चटनी डाल रखी है, हल्का हल्का मिर्ची का भी स्वाद आ रहा है, अलग ही चीज़ है। आप कभी भी यहाँ पे आते हैं तो सुबह 10 से आप शाम के 5 बजे के बीच में ये कचौड़ी खा सकते हैं। और कचौड़ी का प्राइस खाली 50 रुपीज़ है और जिस हिसाब से इसके अंदर ये माल डाला हुआ है उसके हिसाब से वर्थ है। तो शाहदरा कभी भी आए तो ये भोला शंकर कचौड़ी वाले के पास कचौड़ी ज़रूर खाएं। चलिए मैं फिनिश करता हूँ कचौड़ी और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे। मिर्ची आ गई, ये अदरक के मिर्ची आ गई।
ये घी का अचार, लौकी का अचार। अरे वाह, लौकी का अचार। हाँ जी, क्या बात। ये है हमारी पुरानी समोसे की। ये आ गया जी, चांदनी चौक टू जापान। जापानी समोसा, जापानी समोसा। बड़ा फ्लेकी फ्लेकी, बहुत क्रिस्पी पैटीज टाइप का थोड़ा सा टेक्सचर है इसका। और अंदर ये आई गेस आलू डाल रखे हैं, तो ये बड़ा फ्लेकी फ्लेकी सा है, देखते कैसा है। फ्लेवर्स का एकदम ब्लास्ट हो रहा है, 40 में पैसा वसूल है। हल्का सा ऑयली ज़्यादा है, लेकिन स्वीट फूड है तो चलता है। बहुत दमदार क्रिस्प था, मज़ा आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। ये हम घूम रहे हैं अभी चांदनी चौक में, और अभी अभी जस्ट हमने ट्राई किया मनोहर ढाबे का जापानी समोसा, और उसके लगे हमारे 40। अभी तक तो हमारा बजट के अंडर अंडर जा रहा है सारे चीज़, 75 के अंडर अंडर। अब लेट्स सी आगे हम क्या ट्राई करते हैं। यहाँ पे लड़की छीके जा रही है और मास्क भी नहीं लगा रही। कमेंट करके बोलो कि कोई मास्क पहन लो। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं ये वायरस और कहाँ कहाँ फैलने वाला है। चलिए हम अभी आ गए हैं वेद प्रकाश बंटा वाले पे। अगर कोई नॉन दिल्ली वाला इस वीडियो को देख रहा है तो जी, इसको कहते हैं बंटा। बंटा कंचे की बोतल और भी बहुत सारे नाम से ये मशहूर है। इस कांच की बोतल के अंदर एक कंचा होता है और इसके अंदर सोडा होता है। तो बर्फ, मसाला, नींबू, सोडा, ये दो गिलास नींबू लेना। तो इसका क्या प्राइस है भैया? 25 रुपीज़ का है। क्या बात है भैया, शेयर से इसी बात पर। चलते चलते हमको लगे प्यास और हमने मंगा लिया अपने बंटा। चलिए पीकर बताते कैसा है। हुए हुए फ्लेवर्स और जो नींबू मसाले का जो एकदम बढ़िया वाला ब्लास्ट है, पीने में अलग ही मज़ा आ रहा है। आप अगर आए यहाँ पे तो ये ज़रूर ट्राई करें यहाँ का बंटा, और प्राइस सिर्फ 25 रुपये। अब हमने पैसे इतने बचा ही लिए थे तो हमने सोचा कि जाते टाइम थोड़ा सा रिक्शे में ठंडी ठंडी हवा खाते हुए चलते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है कि नए चांदनी चौक आप यहाँ पे घुसा हुआ ना, तो ये बात ध्यान करोगे कि चल में थोड़ा ये तो घूमने की बहुत जगह। वो तो है ही भैया, वो तो है ही बिल्कुल। अक्षय कुमार के घर ले लो, यहाँ पे किनारी बाजार है, कोई चीज़ ऐसी पसंद आ जाएगी तो वहाँ पे खरीद लो। ये रिक्शे वाले भैया अपने टूर गाइड का भी काम करते हैं। नाम क्या है भैया आपका? मोहन नाम है। मोहन नाम है, बिल्कुल। अच्छा, ये पराठे वाली गली आ गया। तो ये पराठे वाली गली से हम चलते हुए अंदर जाएंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। चलिए चलते हैं। क्या चीज़ है ये? ये कमल गट्टा होता है जी। कमल गट्टा है ये, जैसे अगर मैं लेना चाहूँ तो ये कितने का है? ये 30 रुपये का एक पीस है। 30? ये उठाने में भी काफ़ी हल्का सा है। ये खाने में टेस्टी होता है बहुत, ये काजू बादाम से भी ज़्यादा ताकत इसमें होता है। वैसे ये फ्रूट है सब। तो इसको इसको खाते कैसे आप दिखाएंगे भैया? ये इस तरीके से, मैंने तो चीज़ ही पहली बार देखी है। इस तरीके से खोलो, इसके अंदर से जितने डॉट्स बने हैं इतने इसमें बादाम की तरीके से गिरियाँ निकलेंगी। अच्छा, ये खाई जाती है, बात है। ये बहुत ही टेस्टी। और ये वैसे भी तो आती है, वो बादाम जैसे फ्रूट भी तो आती है, उसको तोड़ के खाने में भी काफ़ी मीठा है यार। मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था, नहीं मीठा है और काफ़ी अलग चीज़ है। देखिए सामने भी कितना खूबसूरत नज़ारा है अपने तिरंगे झंडे का। इस तिरंगे के पीछे ही जस्ट लाल किला है, जो कि आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा। और इसके जस्ट लेफ्ट में है यहाँ पे लाल किले का मेट्रो स्टेशन। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं अपनी अगली लोकेशन। यार ऐसे आग लगा रहे हो तुम तो मेरे मोबाइल को। अच्छा, चीज़ क्या है ये? ये विनाइल होता है, इसके ऊपर विनाइल कोटेड। अच्छा अच्छा, मैट है इसके ऊपर, लेकिन वाला विनाइल नहीं है जो फोटो का आता। अच्छा अच्छा, फोन के कवर की काया पलट हो गई भाई। निकाल ले, निकाल ले। सही डल रहा है।
धन्यवाद। नेहरू प्लेस में हम आए हैं और हमको यहाँ पे दिखे बल्ले पापड़ी। पहले तो टेस्ट करके बता दें, फिर बात करते हैं इसके बारे में। पापड़ी एकदम क्रिस्प है और भल्ला भी ठंडा ठंडा लग रहा है। नहीं, मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा मिलाया हुआ है तो थोड़ा सा लिक्विड ही ज़्यादा लग रहा है, तो मखमली वाला एहसास नहीं आ रहा। बट स्ट्रीट फूड में अगर ये 40 रुपए में आपको यहाँ पे मिल रहा है तो पूरा वर्थ है। तो आप कभी भी अगर नेहरू प्लेस में आओ तो यहाँ पे इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस है, इसके सामने भैया बैठते हैं, यहाँ पे आइए और खाइए और इसका मज़ा उठाइए। हम मिलते हैं अगली लोकेशन पे। तो नेहरू प्लेस में हम ठंडे ठंडे दही भल्ले खाने के बाद आ गए हैं यहाँ पे न्यू पंजाबी खाना। एंड यहाँ पे हमने मंगाए हैं राजमा चावल। चलिए आपको जल्दी से ट्राई करके बताते हैं कैसे। राजमा एकदम बढ़िया पके हुए हैं और ग्रेवीदार बढ़िया है, पानी नहीं है, ग्रेवी अच्छी और मसाले एकदम बैलेंस है। आई गेस आपको नेहरू प्लेस में इससे बढ़िया राजमा चावल शायद ही मिलेंगे। इनका वैसे एक पंजाबी प्लेटर भी है जो कि हम ट्राई नहीं कर पाए क्योंकि वो 75 से काफ़ी ऊपर जा रहा था, लेकिन हमको ये वीडियो 75 के अंडर ही करनी थी तो ये एकदम 75 का है। चलिए हम खाते हैं और मिलते हैं आपको अगली लोकेशन पर। चॉकलेट सिरप भी टॉप करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आ चुकी है हमारी रोलर फ्रूट आइसक्रीम, चलिए ट्राई करके बताते हैं। ओहो, कितनी कलरफुल है यार ये, तो आने में थोड़ी सी मुश्किल है। रबड़ी और फ्रेश फ्रूट्स का जो फ्लेवर आ रहा है ना, वो बम्बाट है, लिटरली बम्बाट है। मज़ा आ रहा है यार खाने में कि आप एक अगर बाइट खाओ ना तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे, आप खाते ही रहोगे। हमें भी खिला दो, आपको भी खिलाएंगे। 70 रुपीज़ का प्राइस है एंड जो मेहनत इस पर लग रही है उसके हिसाब से काफ़ी वर्थ है ये। तो दिल्ली में आपको बहुत ही रेयर ये चीज़ मिलेगी, लेकिन मिले तो आप खाइएगा ज़रूर। चल, कबाब सीख गया है, कबाब सीख गया है। आपका बन के आ गया है। देख रहे कैसे एकदम डिसॉल्व हो गया उसके ऊपर और अब भर भर के भैया प्याज डाल रहे हैं। ये आएगी इस पे ग्रीन चटनी और ये आएगा लखनवी ग्रेवी। ये क्या चीज़ की होती है भैया? ये टमाटर प्याज का क्या बात। हाँ जी भैया। और ये मसाला, ये चाट मसाला, इसके ऊपर नींबू आ गया, सारे के सारे फ्लेवर्स और ये रोल होके बन गया है जी। लखनऊ का स्ट्रीट फूड खाएं हम दिल्ली में। तो आ गया है हमारा गलौटी कबाब और उल्टा पराठा का कॉम्बिनेशन, चलिए ट्राई करके बताते हैं। जो दूसरा बाइट लिया था उसमें जो कबाब घुला था उल्टे तवे के पराठे के साथ में, अलग ही लेवल था। आपको ऐसा स्ट्रीट फूड दिल्ली में जल्दी से नहीं मिलेगा, तो आप कभी भी अगर कृष्णा नगर मार्केट आए, विजय वेज कबाब पराठा, तो आप यहाँ का ज़रूर ट्राई करिएगा, मज़ा बड़ा आएगा। साथ में है ये विजय हॉटडॉग बर्गर, यहाँ का हॉटडॉग बर्गर भी ट्राई करेंगे। तो आ गया हमारा हॉट डॉग बर्गर और शुड आई से देसी बर्गर, ट्राई करके बताते हैं कि कैसा है। स्वाद एकदम एवन है, जैसा मैंने बहुत सालों पहले खाया था अभी भी उसका टेस्ट बिल्कुल वैसे का वैसा है। एंड
₹50 में ये काफ़ी दमदार चीज़ है। तो आप कभी भी कृष्णानगर आएँ तो आप विजय हॉट डॉग और उसके साथ वाला जो हमने अभी पीछे खाया था गलावटी कबाब ज़रूर खाएँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली लोकेशन पर। भैया एक प्लेट क्या प्राइस की है? ₹50 की। उसमें कितने पीस आते हैं भैया? 8 पीस आते हैं। भैया कौन सी दाल का बनता है? मूंग की दाल का। मूंग दाल का बढ़ के आ गया। एक प्लेट लगाइए भैया। हरी चटनी क्या चीज़ की होती है? हरी मिर्च, धनिया, अमचूर। हाँ तो ये अमचूर की खटास आती है। हाँ जी। अरे वाह क्या बात है। तो ये राम लड्डू है, इसके ऊपर कच्ची मूली और ऊपर से चटनी और एक मसाला डाल के दिया है। चलिए ट्राई करके देखते हैं कैसा है। सही चीज़ है। अमचूर पुदीना की चटनी, कच्ची मूली और पकोड़ों का बढ़िया कॉम्बिनेशन आ रहा है। चलो अगली जगह चलते हैं। तो ये आ गई हमारी सॉफ्टी बटर स्कॉच और वनीला फ्लेवर की, और इसी के साथ हम अपना स्ट्रीट फूड चैलेंज पूरा कर रहे हैं। इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, इसका प्राइस है 30 और अगर आप इनका बेसिक वेरियंट लेते हैं तो वो है 20। तो ये भी अंडर 75 और आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खैर यहाँ तक आप अगर पहुँच गए तो आपको वीडियो तो पसंद आई ही होगी। तो इस वीडियो को फटाफट से कर देना लाइक, और एक और काम करना है, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि हमको नेक्स्ट फूड चैलेंज कौन सा करना चाहिए। हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वाद भी काफ़ी बढ़िया है यार, मज़ा आ गया। क्या हो अभी तक हो? नहीं यार अब जाओ, अब हो गया। नए चैलेंज में मिलते हैं, बाय बाय।